what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Good morning. हम लोगों ने ना रसोल में 2 दिन काटे हैं और बिना लाइट के बिना नेट के बहुत ही मज़ा आया। कितना अच्छा लगता है ना, आप नेट फ़ोन नहीं चला रहे हो, सोशल मीडिया से दूर, टीवी से दूर, फैमिली से दूर, किसी से कांटेक्ट नहीं था 2 दिन तक। बस अब हम निकलने वाले हैं और बारिश होने वाली है, तो हमने सोचा कि हम अर्ली मॉर्निंग ही ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो बारिश कभी भी पड़ सकती है। तो चलिए मैं बाकी रास्ते में मिलूँगी। और हम लोगों का स्टे ना रसोल में बहुत अच्छा रहा और सुबह सुबह रसोल गाँव का व्यू। अभी सुबह के 7 बजे है और सब घरों में काम शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है इस समय रसोल गाँव का। और बाकी मैं ना आपको रास्ते में मिलूँगी, सुंदर सुंदर व्यू दिखाते हुए। आज हम लोगों का पता नहीं भी कटागढ़ जाना है कि कलकापुल का जाना, अभी हमने डिसाइड नहीं किया। मैं आपको रास्ते में बताऊँगी हमने कहाँ रुकना है। दिन पर बहुत एंजॉय कर रही है उतरते उतरते। हाँ, मौसम बहुत अच्छा है। और वो रहा हिल टॉप, यहाँ से हम आ रहे हैं, जो ऊपर पहाड़ी पे दिख रहा है आपको। और अभी हम थोड़ा सा चले हैं और रास्ते में मिलते हैं। कैसा लग रहा है डिम्पल? बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं और ऊपर से बारिश शुरू हो चुकी है। बस हम जल्दी जल्दी चलेंगे और किसी कैफे में बैठेंगे इसके बाद। हम लोगों ने ना अपना आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, अब आधा रहता है घंटे भर का। और फिर हमने अभी मैगी ऑर्डर की है और कॉफ़ी। मैगी ना ठीक थी। अब हम लोगों ने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बहुत ही ना पथरीला रास्ता है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पत्थर की वजह से ना पैर फिसल भी सकता है। बाकी चलिए मिलते हैं रास्ते में और पथरीले मोड़ रास्ते दिखाऊंगी आपको। कल रात को ना बहुत ही तेज़ बारिश और तूफान आया था, जिस वजह से आप देख भी रहे हो पेड़ गिरे। हमें 4-5 पेड़ ऐसे गिरे हुए मिले। और बाकी आप रास्ता देखो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक तो नहीं बोल सकते क्योंकि पत्थर है, पत्थर पर जब चलते हैं और बारिश हो रही होती है ना, तो उस वजह से पैर स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और बाकी लोग तो चप्पल में भी चलते हैं यार, जो चलने वाले हैं। खच्चरों की वीडियो बनाओ। हम बनाने वाले अब खच्चरों की वीडियो, मेरी नहीं, खच्चरों की, जिसमें सामान लेके जाते हैं गाँव को। यहाँ देखिए कितनी सारी खच्चरे हैं और जहाँ तक नज़र जा रही है ना मेरी, वहाँ तक मुझे खच्चर दिख रही है। इन खच्चरों पे ना सामान लेके जा रहे हैं जो हम लोग नहीं उठा पाते। और बहुत ऊपर है गांव, तो वो खच्चर के द्वारा ही सामान लेके जाते हैं। पर एक चीज़ है, यहाँ की जो खच्चरे हैं ना वो बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नहीं तो अदरवाइज़ केदारनाथ देखा है मैंने, मणि महेश देखा है, खच्चरों की हालत बहुत बुरी होती है, पर ये बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट खच्चरे है। और बाकी मैं आपको बता दूं, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि ये लातें मारती है। हम लोग जब मणि महेश गए थे तो एक इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर। एक भैया बेचारे साइड में खड़े थे और खच्चरे आ रही थी और एक खच्चर ने ना उनको लात मार दी और उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी। इसलिए मुझे इनसे बहुत डर लगता है। ये देखिए रसोल का रास्ता, ऐसा रास्ता है रसोल का। और तभी बोल रही थी कि जूते अच्छे पहन के आना, अच्छे पहन के नहीं आओगे तो पैर स्लिप होगा, पैर स्लिप होगा तो चोट आएगी, और चोट आएगी तो हॉस्पिटल जाना भी बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ से Who's cute baby are you? आपका नहीं है, आप मेरे को हमेशा हर्ट करती हो। ये जो पूरा रास्ता है बहुत ही पथरीला रास्ता है और साथ में पानी चल रहा है, कीचड़ है, बट क्या कर सकते हैं, बारिश भी हुई है साथ में। और अब हम रास्ते में हैं कसौल वाले, क्योंकि बरशैनी से भी टाइम लगता है। कितना? आधा घंटा लगता है कसौल के लिए। बरशैनी नहीं, छलाल। सॉरी छलाल। मैं इतना थक गई हूँ ना यार, मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ पहुँची है, क्योंकि बारिश हो रही है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए। हाँ, छलाल से अब हम लोग कसौल जाने वाले हैं और हम दोनों छाते में चले हुए हैं, बारिश हो रही है। आप व्यू देखिए कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। और पर पानी का ना फ्लो बढ़ चुका है, बट व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है और धुंध पड़ी हुई है। और हम सबसे पहले सोच रहे हैं कि रेस्टोरेंट चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट। हम लोग पहुंचे हैं किंग कैफ़े फलाफल। ये ना कसौल में है और हमने फलाफल ऑर्डर किया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही यमी लगा मुझे। हाँ 12 तक निकलेंगे हम लोग ना क्या बोलते कसौल मार्केट में खाना खुना खाया। उसके बाद हम लोग पहले सोच रहे थे कि कहाँ जाए, कसौल में रुके कि कलकापुल का जाए, पर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मतलब कलकापुल का जाना भी पॉसिबल नहीं था। और कसौल में मतलब कसौल में फिर मेन मार्केट में रुकने का हम लोगों का मन नहीं था, इसलिए हम लोग आ गए कहाँ पर, कौन सी जगह है, छोच है ना, छोच। छोच आए हुए बहुत अच्छी लोकेशन पे हमें होटल भी मिल गया। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। और ये रूम रहा, ये रूम है, ये पौती है, ये मेरा पौती ही पौती। और यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में ना रिवर बैरी है और वो जो सामने टेंट है ना उसमें हस्की है, जर्मन शेफर्ड भी है, वो यहाँ देखा मैंने। हाँ और ना बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार सुबह से लगी। तो टचवुड हम लोग टाइम से नीचे पहुंच गए और आराम से कैफ़े में जब बैठे उसके बाद बारिश तेज़ हुई। फिर हम लोगों ने होटल वोटल सर्च किया, फाइनली हमें अच्छा रहने के लिए भी मिल गया और कसौल से थोड़ा दूर। और शायद अब लोग हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे। 2 दिन से नहाए नहीं है हम लोग, गंदे क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी ना, इसीलिए बस गीज़र ऑन किया है, नहाते धोते हैं और फिर देखते हैं शाम को क्या बनता है। बारिश रुकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं पर चिल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। नहा धोकर ना हम लोग अब बिस्तर में बैठ चुके हैं और बाहर ना बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है और लगता नहीं कि बारिश रुकने वाली है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्या निकले बाहर, मतलब ऐसी बारिश में फिर से गीले हो जाएंगे, तो बेटर है कि रूम पर ही रेस्ट करेंगे और यहीं पर कुछ मंगवाएंगे। बाकी कल सुबह देखते हैं क्या बनता है, कल का प्लान। और तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। The next day. गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ना मैं तैयार हो चुकी हूँ और हम लोग जाने वाले हैं हमीरपुर। पर मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको मैं व्यू दिखा दूँ छोच गाँव का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं दिखाती हूँ। अभी तो हमने कसौल भी जाना है, कसौल में कुछ खाएंगे फिर जाएंगे वैसे तो हम हमीरपुर। चलिए व्यू इंजॉय कीजिए आप। हम लोग यहाँ पर रुके थे। ये रहा छोच गाँव का व्यू। छोच गाँव का व्यू ना बहुत ज़्यादा सुंदर है क्योंकि साथ में बैरी है, नदी, और मुझे पानी की आवाज़ सुनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना हस्की भी है, तो मैं ना आपको हस्की से मिलाती हूँ। बहुत ज़्यादा क्यूट है यार, बहुत ज़्यादा। हाँ अपना हम लोग निकल गए हैं वापस हमीरपुर के लिए। हम कसौल में रुके थे 5-10 मिनट और मैंने लिया चीज केक। खाने में अच्छा है पर मुझे थोड़ी सी खटास लगी। इस बार ना जर्मन बेकर है ना उसका नाम, हाँ, उनकी ना ब्राउनी अच्छी थी, मतलब अदरवाइज बहुत टेस्टी होती है। इस बार ये भी ज़्यादा खास अच्छा नहीं बना है। और लास्ट टाइम मैंने ब्राउनी खरीदी थी, वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, पर कोई बात नहीं, खरीदा है तो उसको खाना तो बनता है। बाकी ना मैं आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाती हूँ। और ये रहा अमोल शर्मा। अमोल बहुत फोकस है इस समय ड्राइव करने में। इस रोड में ना बहुत सारे देवता जी मिले हमको, आते टाइम भी मिले और जाते टाइम भी मिले। और बाकी हम लोगों का वैसे कसौल से प्लान था कि हम लोग कलकापुल का जाने वाले थे, बट बारिश इतनी हो रही है तो हमने डिसाइड किया कि कोई फ़ायदा नहीं है। और मणिकरण भी इसलिए नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, मतलब आपको ना 4-5 घंटे शायद वहाँ दर्शन करने में ही लग जाएंगे, इतना ज़्यादा क्राउड है मणिकरण में भी। हम आधे तक गए थे, फिर हम वापस आ गए। मे बी नेक्स्ट टाइम आएंगे, फिर बुलावा होगा तब भी जा सकते हैं मंदिर। बाकी मैं आपको 4 लेन होकर रास्ता दिखाऊँगी और रास्ते में मिलूँगी। हम लोग ना अभी मंडी पहुंच चुके हैं और मंडी में हम लोग करवाने वाले धाम पैक। और आज है वीरवार तो आज बनी है सेपू बड़ी। हाँ, हम राजमा कद्दू का खट्टा ये हम लोग डिनर के लिए पैक करवा रहे हैं। और अभी हम बस स्टैंड में, ये जो धाम है ये मंडी के बस स्टैंड में मिलती है और बहुत ही टेस्टी होती है। हम हमेशा ले जाते हैं जब हम यहाँ से आते हैं। और बाकी अब हम लोग जाने वाले हैं सुंदरनगर, और सुंदरनगर में हम लोग जाने वाले हैं बेक शॉप, वहाँ पे कुछ खाएंगे। हमने भी खा पी कर निकल चुके हैं हमीरपुर को। बेक शॉप में बर्गर, फ्राइज और पेस्ट्री नहीं चीज़ पेस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जबकि मुझे कसौल वाली पसंद नहीं आई थी, पर ये वाली मुझे अच्छी लगी। बस अब हम निकलेंगे और मैं आपको मिलूँगी हमीरपुर में। और हम लोग 4 लेन होकर ही जाएंगे। हम लोग कोई शॉर्ट, मतलब हम पुराने वाले रास्ते से नहीं, नए वाले रास्ते से जाएंगे। बाकी सुंदरनगर तो गर्मी हो गई है तो मेरी जैकेट वैकेट सब उतर गए हैं। और बाकी मैं आपको मिलूँगी रास्ते में, या मे भी मैं मिलूँगी अब आपको डायरेक्ट हमीरपुर में। थोड़ा सा चिप्स भी खाते हैं, थोड़े चिप्स खाते हैं। अब मैं चिप्स भी ले लिए रास्ते में खाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।